आपका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं इस मार्केट से आया और मैं लेके आया था ये कार्ड रीडर। इसकी वजह से ना मेरा वीडियो लेट हो गया। कल मैं एक वीडियो डालने वाला था लेकिन इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि ये कल क्या हुआ, कल मैं वीडियो डाल ही रहा था सिस्टम में तो मेरा हाथ लग गया और ये वो हो गया ख़राब। फिर उसके बाद वो चला ही नहीं, पता नहीं क्या नहीं चला। और इसकी ना पुरानी एक स्टोरी है, बहुत पुरानी, मतलब ये इतना ज़्यादा परेशान हुआ था इसको लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं वो स्टूडियो पहुँच के बताऊँगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, तो रेडी हो गया और आज मैं एक और नया वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसा लास्ट वीडियो देखा था वैसा एक और वीडियो आज शूट कर रहा हूँ। मेरा ऐसे बैग पैक होता है, मतलब कैमरे बैग में मैं सारी चीज़ें रख लेता हूँ। मतलब तो कैमरा तो है ही रखा हुआ, इसमें वाटर बॉटल भी रखी हुई है, वो भी अंदर मैंने, और सारी चीज़ें इसी में, ईयरफोन बर्ड्स वगैरह सब इसी में रख लेता हूँ मैं। ये ऐसे मेरे काम है, जो कि मेरा बैग ख़राब हो गया है, सॉरी। तो अभी मुझे नया लेना है तो इसलिए ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, नया ले लेंगे जल्दी, पैसे आ जाए तब। हाँ जी, तो अभी मैं स्टूडियो आ गया हूँ और आज काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे मतलब मन से जो बोलते हैं, मन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी बैटरी चार्ज होने लगी है तो यस, तो काफ़ी टाइम बाद ऐसा मन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है दिल से, अंदर से खुशी हो रही है। क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने शूट किया था उसने मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया, इतना इंटरटेनिंग वीडियो हुआ मेरे लिए। आपको कैसा लगा, आपको अगर नहीं देखा तो जाके देखो, बट मेरे को सच्ची बहुत पसंद आया। तो मैं इसको बोल रहा हूँ हाई स्पीड कार डीलर है, मतलब समझ लीजिए बहुत तेज स्पीड देगा, हाँ मैं दौड़ेगा दौड़ेगा। चेक करते हैं इसको, देखिए ना कितनी तगड़ी चीज़ रिव्यू करा रहा हूँ मैं आपके सामने, मतलब आपके सामने की नहीं होगी ऐसी चीज़ रिव्यू करा रहा हूँ। अनबॉक्सिंग मेरे कोई लगाना नहीं आ रहा कार्ड, अनबॉक्सिंग क्या करूंगा। गाइस लग गया कार्ड, असंभव, अद्भुत अद्भुत कार्ड लग गया है। तो अभी मैं अंदर डाल रहा हूं, वाह। इससे पहले मैंने एक और वीडियो शूट किया था जो कि अदनान के ऊपर था, तो वो अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि नहीं डालूंगा। अब मैं एक और वीडियो शूट करूँगा जिसमें आमिर सिद्दीकी और अदनान दोनों लोगों ने एक जगह इंटरव्यू दिया है, तो उस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ बोला है, तो मैं उसकी छोटी छोटी क्लिप्स उसके बारे में बताऊँगा, मतलब ठीक है। तो उसका इतना महत्व भी नहीं है, लोग इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे उस पर, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत क्रेजी है। तो अभी मेरे को यहाँ से अब नहीं निकालना वो वीडियो, दिखाता मैं कौन सा है जो मैंने शूट किया है, इसमें आएगा लास्ट में। अच्छा, तो अभी हम लोग नया आज वीडियो शूट करने वाले हैं जो कि है अभी एलविज भाई का, नहीं ये तो हम कैमरे में ही बोलेंगे, क्योंकि मेरे को कैमरे में एक चीज़ और, मेरे को ना कैमरे में शूट करते बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब फ़ोन से ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है वो मेरे को कैमरे में शूट करते मज़ा आ रहा है। ये देखो कल मैंने शूट किया था ये वाला, है ना, तो कल शूट किया था, बट अभी मैं नहीं डालूंगा ये वाला वीडियो, डालूंगा लेकिन बाद में डालूंगा एक और वीडियो शूट करने के बाद, मतलब या तो या इसको डिलीट कर दूंगा, दोनों एक साथ शूट कर। हाँ, मैं आपको स्टोरी बताने वाला था कि मेरे को लास्ट जब मैंने अपना कार्ड खरीदा था वो कैसे खरीदा था। लास्ट हम लोग का लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद हल्के हल्के चीज़ें खुलने लगी थी, तो अभी जो लास्ट मेरा वो था कार्ड, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, वो मैंने पूरी मार्केट में ढूंढा था, मतलब पूरी बहड़ी की मार्केट में ढूंढा था, लेकिन मेरे को कहीं भी कार्ड नहीं मिला। और जो कि मैंने 2 से 3 दिन ये वाला कार्ड ढूंढा था मार्केट में, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं क्या करता था, तब मेरे पास फ्यूजी फिल्म था, तब मैं उसके साथ एक डाटा केबल आती थी, तो मैं कैमरे वाली डाटा केबल से ट्रांसफ़र करता था डाटा, तब कार्ड डीलर नहीं था, तो मैं डायरेक्ट कैमरे से ट्रांसफ़र करता था, या फिर फ़ोन में लेते थे पहले डाटा तब ट्रांसफ़र करते थे हम, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसके बाद पास में एक दुकान है नारायण भैया, नारायण कैफ़े, रजत भैया की शॉप है, तो मैं एक दिन वहाँ गया था काम से, कि तो मैंने देखा भाई वहाँ पर उनके पास कार्ड डीलर था, मैंने क्या बात कर रहे हो भैया, मतलब दिया तले अंधेरा नहीं, क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं, अरे नहीं ये तो कुछ ये टाइमिंग नहीं हुई वो। A few minutes later, हाँ जी, तो अभी वीडियो शूट हो गया है जो कि मैं मीटर की वीडियो रिव्यू कर रहा था, तो वो हो गया है। ये वाला ब्लॉग पता नहीं पहले आएगा बाद में आएगा, देख लेना आप ठीक है, अगर पहले बाद में आएगा तो आप जाके वीडियो देखो, अगर नहीं देखा है तो। बाकी मैं यहाँ रख के शूट कर रहा था और ये एक लाइट है फोकस वाली जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी दे रही है, तो मैंने ये जला रखी थी। अभी मैं लाइट्स ले लूँगा तभी ये हटा दूँगा, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्मी देती है। हम लोग ये वैसे भी नहीं चलाते क्लास के टाइम पे, और ये देखो हम लोग ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ और हम लोग डंडे से ही बंद करते हैं, मेरी इतनी हाइट
हाँ हाइट नहीं है तो नहीं करता, मैं जंप करके भी नहीं कर पाता यहाँ से। आंसू ट्यूज कर लेते हैं तो अभी ये मत कहना मैं घंटा हूँ, ठीक है? वैसे मैं बहुत सुनता हूँ ये सब, इतना भी घंटा नहीं, ठीक है? तो बस जल्दी से एडिट करता हूँ क्योंकि मेरे को आज ही ये वीडियो अपलोड करनी है, मतलब ये वाला ब्लॉग बाद में ही आएगा, समझ रहे ना? तो ये ब्लॉग बाद में ही आएगा, तो अभी बस मैं जल्दी से वीडियो अपलोड कर शूट कर देता हूँ, क्या बोला हूँ, मैं जल्दी से एडिट कर देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं। अभी यहाँ लगा के शूट करता हूँ मैं अपने आप अकेले से, मज़ा आता है बहुत सही वाला। अगर आप करते हो शूट तो करो यार, मतलब ये भी एक टैलेंट है, ये भी एक स्किल्स है कि आप शूट करना है, आपको एडिट करना है, ये सारी चीज़ें एक स्किल्स हैं तो जो कि आपके बहुत काम आते हैं लाइफ में, बहुत काम आएंगी। हाँ जी, तो अभी शूट हो गया है और अभी 3:30 हो गए हैं और क्लास आधे घंटे में स्टार्ट होने वाली है और बस अभी मैंने चेंज भी कर लिया है क्योंकि मैं जो शूट के लिए अलग टी शर्ट पहन के आया था और अभी जो मैं क्लास कर रहा हूँ तो अलग टी शर्ट, क्योंकि वो सिर्फ शूट के लिए थी। बाकी अभी जब मैं शूट करता हूँ तो ऐसा हाल हो जाता है, ये देखो सारी चीज़ ऐसी पड़ी है, पूरा काउंटर भरा हुआ है ऐसे। तो अभी मुझे ये सेट करना है जल्दी से क्योंकि आधे घंटे में बच्चे आ जाएंगे, तो फटाक से करते हैं। फिर मुझे भी थोड़ा सा वार्म अप करना है क्योंकि मुझे पूरी पहले, मतलब क्लास से पहले 15 मिनट पहले मुझे वार्म अप करना होता है ताकि मैं अच्छे से सिखा पाऊँ, एक्टिव हो जाऊँ, एक्टिव समझ ना। तो फटाक से करते हैं और फिर आपको मिलते हैं क्लास के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ जी, आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा और बहुत मज़ा आया। मज़ा बस यही है कि आज भी मैं बहुत ज़्यादातर टाइम मैंने अपना स्टूडियो मतलब सिस्टम पर ही बिताया, अपना वीडियो एडिट किया और अपना शूट किया, आज मैंने एडिट किया, अपलोड किया, थंबनेल बनाया, सारी चीज़ें की। दैन उसके बाद एक और अपने क्लाइंट का वीडियो किया क्योंकि मैं 2 दिन बाद कहीं जा रहा हूँ तो मुझे उनका वीडियो टाइम से पहले दे के जाना पड़ेगा। एक उनका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, एक और क्लाइंट का मुझे वीडियो देना है, अभी घर जाके वापस से एक और एडिट करूँगा तब कहीं जाके दे दूँगा और फिर क्लास कराई। मतलब दिन अच्छा था बट आज के दिन में मेरे को परेशानियाँ बहुत आई, बहुत परेशानियाँ आई। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी डाटा स्टोरेज की है, मतलब मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल हो गया है फ़ोन, तो मैं प्रॉब्लम मेरे को बस वही आती है। तो मैं अभी सारी चीज़ें सॉल्व कर दूँगा, मेहनत कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें सॉल्व कर दूँगा, तो जल्दी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बट मज़ा आया, अभी ऐसा दिन नहीं था मेरा कि मैंने टाइम वाइम ख़राब किया हो, पहले मैं ज़्यादा टाइम ख़राब कर देता था। बट जो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो आ रहा है मेरे को इन वीडियोस को शूट करने में और एडिट करके अपलोड करने में, सच में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को शूट करते हुए। मेरा से हमेशा से मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कैमरे पर शूट कर रहा हूँ और जब मैं कैमरे पर शूट करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है मेरे को देखते हुए। जो मैं अभी थंबनेल बना रहा हूँ ये सारी चीज़ें अगर आप जाके देखोगे तो एक एक क्वालिटी लगेगा आपको कि हाँ भाई एक है, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा आपको कि हाँ भाई बंदे ने मेहनत कर, तो चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं हल्के हल्के तो हो जाएंगी। बट मैंने कभी ऐसा शूट नहीं किया तब तक ब्लॉगिंग किया था, ज़्यादा डांस वीडियो शूट की थी ऐसा, मतलब तब किसी के बारे में बोलना या ये सारी चीज़ें नहीं की, तो अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया तो अच्छा लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है। ठीक है, बाकी आपको कैसे लगा था आपको प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी वैसे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अभी, 9 सारी चीज़ें ले ली, चाबी ली, अभी बज रहे हैं 9:30 के टाइम, अभी मैं जाऊँगा सो जाऊँगा, फिर उसका सुबह उठूँगा वापस आ जाऊँगा, कल फिर से शूट करूँगा क्योंकि मैं 2 दिन से जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना वीडियो शूट और एडिट करके जाऊँ क्योंकि मेरे को 5 रुपये खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।